गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल शाय स्टाइल्स. मैं सायमा. तो आज की वीडियो होने वाली है ब्राइडल मेकअप किट के ऊपर. आप सभी को पता है नवंबर स्टार्ट हो चुका है एंड नवंबर में जितनी शादियां होती है लाइक नवंबर दिसंबर जान ये जो शादियों का पूरा सीज़न एकदम बाहर से आ जाती है इस टाइम पे. और जो हमारी यू नो ब्राइड टू बी हैं उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं क्योंकि भाई नई नई शादी है तो ऑब्वियसली ब्राइडल किट बनानी है और खूब सारे कपड़े लेने हैं, ज्वेलरी शॉपिंग है, मतलब पूरी वेडिंग की शॉपिंग करनी है जिसमें मेकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा करता है क्योंकि मैं एक तो मेकअप से मुझे प्यार बहुत है, दूसरा लास्ट ईयर नवंबर में ही मेरी शादी थी तो मैंने भी मेकअप किट बनाई थी. मेरे पास ऑलरेडी मेकअप बहुत ज़्यादा था बट स्टिल जो प्यार है ना मेरा उसका वो निकल के बाहर आता है कि नहीं. और अगर आपने मेरी ब्राइडल मेकअप किट नहीं देखी तो उसका लिंक दे दूँगी, मैं देख लीजिएगा. बट ये एक वन ब्रांड यू नो ब्राइडल मेकअप किट होने वाली है क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स ट्राई करना ऑब्वियसली इट्स अप टू यू गाइज, चॉइस आपकी है, बिल्कुल आपकी है. बट मैं यहाँ बिल्कुल आपको सॉर्ट कर रही हूँ, मतलब बिल्कुल सॉर्टेड है कि आप एक ब्रांड चूज़ कर लो और जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है दैट इज़ मैक. तो मैक में आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स ले सकते हो अगर आप ब्राइडल किट चाहते हो, नो मेकअप करना चाहते हो शादी के बाद या शादी के बाद बहुत सारे फंक्शंस अटेंड करने हैं. तो या आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी. अगर पसंद आया तो आपको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल. और यहाँ सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक गिव अवे, बहुत लाइक सालों के बाद एक गिव अवे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो इस गिव अवे में आप क्या जीत सकते हो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा. और ये इस प्रोडक्ट जो आप गिव अवे में प्रोडक्ट जीतोगे वो गाइज मैक के ही होने वाले हैं. दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर बाय मैक एट ऑल, लाइक नहीं मेरे पास वो प्रोडक्ट्स थे सो आई थॉट कि भाई ब्राइडल वेडिंग टाइम है, अगर मैं वन ब्रांड ब्राइडल किट दिखा रही हूँ तो क्यों ना मैं यू नो एक गिव अवे कर दूँ. या सो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल विदाउट वेस्टिंग ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं मेरे पास मैं वो भी आपके साथ सजेस्ट कर दूँगी, तो आप चाहो तो उसमें भी जा सकते हो. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉइस्चराइजर प्राइमिंग से. तो ये है मैक का प्रेप एंड प्राइम नेचुरल रेडियंस बेस ल्यूमिनाइजर. आप इसे एज अ बेस समझ लो, एज अ प्राइमर वर्क भी करेगा, ये एज अ मॉइस्चराइजर वर्क भी करेगा. तो ये एक बेस है, ऑब्वियसली मेकअप करने से पहले आपको एक बेस चाहिए होता है. तो विटनेस के टाइम में ऑलरेडी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और ड्राई स्किन वालों के लिए तो मॉइस्चराइजर चाहिए. तो आप एक थिक मॉइस्चराइजर ले सकते हो, नो डाउट, जरूरी नहीं है कि आपको यही लेना है. बट उसके बाद आपको चाहिए कि आपकी स्किन प्रेप हो जाए मेकअप के लिए, तो आप ये ले सकते हो प्रेप एंड प्राइम. ये प्राइमर का काम भी करता है, स्किन को प्रेप करने का काम भी करता है. इट्स वेरी लाइट वेट, बहुत ही यू नो लाइट टेक्सचर है इसका, स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है. येलो लाइट येलो कलर का इसमें है एंड इट्स वेरी नाइस. ये आपको एक बहुत प्यारी सी शीन देता है, कोई ग्लिटर नहीं है कुछ नहीं है बट एक बहुत ही अच्छा हेल्दी सा यू नो ग्लो देता है ये आपको बहुत हेल्प. तो आप ये ट्राई कर सकते हो, मैक में ये अच्छा है फर्स्ट प्रोडक्ट. और हम ना ब्राइडल के लिए हम चाहते हैं कि हम अच्छे थोड़े से अपना जो हमारा एक बजट होता है उससे थोड़ा ऊपर जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ब्राइडल किट है तो वो थोड़ा अच्छा हो. तो इसलिए मैं मैक का वन ब्रांड दिखा रही हूँ. और आपको अगर बहुत ही अल्ट्रा अफोर्डेबल ब्राइडल किट देखनी है तो डू कॉमेंट मी गाइज. मैं डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि मैं हाई एंड दिखा रही हूँ तो मैं अफोर्डेबल नहीं दिखा सकती, मैं डेफिनेटली आपके लिए अफोर्डेबल भी लेके आऊँगी. इसके बाद आपको चाहिए प्राइमर. तो मैंने ये प्राइमर आपको बताया, ये प्राइमर का वर्क करता है. देन यू नीड अ ग्लो क्योंकि दिस इज़ अ ब्राइडल किट, ठीक है. और हमेशा दुल्हन के चेहरे पे एक चमक होनी चाहिए और ऐसी चमक जो लगे कि भैया ये शादी का ग्लो है, ये दुल्हन वाला ग्लो है, ठीक है. तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ये मैक की स्ट्रोब क्रीम जो कि अल्टीमेट प्रोडक्ट है. आई एम टेलिंग यू दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम मैक. मेरा शेड है पिंक लाइट. इसमें आपको गोल्डन लाइट, सिल्वर और आई थिंक पीच, चार कलर ऑप्शंस मिलते हैं. आई लव दिस पिंक वन. एंड अगर आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन के हो प्लीज़ गो विद द पीच और पिंक. और अगर आप यू नो सिल्वर जाना चाहते हो, बहुत ही वाइट हो तो सिल्वर भी जा सकते हो. और अगर आप यू नो डीपर स्किन टोन के हो तो आप गोल्ड वाले के साथ जा सकते हो. ये मिनी साइज़ है. बेस्ट पार्ट की मैक में अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिनी साइज़ में आ चुकी हैं तो आप मिनी साइजेस ट्राई कर सकते हो. ये मिनी वर्जन है जो कि आपको समथिंग कुछ 1100 और 1200 कॉस्ट करता है बट ये बहुत लंबा चलता है, बहुत थोड़ा चाहिए होता है. मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर कोई ग्लिटर नहीं है इसलिए ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट होता है और ये आपको बहुत अच्छा ग्लो दे देता है. एंड हैव अ लुक, ये मैट एंड ये ग्लो. एंड गाइज
मस्ट हैव है, ब्राइडल भी ना हो तो भी आपके पास ये किट में होना चाहिए मेकअप में, अगर आप मेकअप बहुत पसंद करते हो। देन बात करते हैं फाउंडेशन की, तो ऑब्वियसली मैं ये वाला बोलूँगी। इसमें आपको मैक में बहुत सारे फाउंडेशन मिल जाते हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, बट अगर सबसे कम प्राइस की बात करी जाए तो ये आपको मिल जाता है 2800 रुपीज़ का। ये स्टूडियो फिक्स फ्लूइड फाउंडेशन है, SPF 15 के साथ है, तो डे टाइम में भी आप वेयर कर सकते हो। एंड एक आपको मीडियम टू फुल कवरेज बिल्डेबल होता है इसका, ये बहुत लाइट वेट है। इसका पंप अलग से लेते हो तो वो 1200 कॉस्ट करता है, बट मेरे को लगता है वो वर्थ है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, सिर्फ बॉटल बाय कर सकते हो। मेरा शेड है NC25, जी हाँ NC25। इसमें आपको अपना शेड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप पैच टेस्ट ले सकते हो, नेक वाला जो आप होता है ना, जाके ले सकते हो मैक के काउंटर्स पे। तो पहले आप इसका परफेक्ट शेड चूज़ करना, उसके बाद ही फाउंडेशन पे जाना। एंड ऑफर प्राइस अगर मैक पे चल रहा होगा तो ऐसे बहुत रेयर होता है, बट ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट्स के लिंक दे दूँगी, तो आप पर्पल से बाय कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पर बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है फाउंडेशन के बाद सेटिंग पाउडर और सेट करने के लिए, तो मेरे पास है ये मेरा कॉम्पैक्ट, अगेन आई मीन द शेड NC25 मैक फिक्स कॉम्पैक्ट, वेरी नाइस सॉफ्ट बटरी टेक्सचर के साथ। क्योंकि अगर आपने फाउंडेशन लगाया है या कंसीलर लगाया है तो उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको एक कॉम्पैक्ट चाहिए, तो आप ये ले सकते हो। ये इट्स लाइक अ पाउडर फाउंडेशन गाइज, अगर आप लिक्विड फाउंडेशन नहीं लगा रहे हो तो इसका कवरेज इतना अच्छा कवरेज आपको देता है कि आप डे टाइम में जस्ट अपने फेस पे हल्का फुल्का लगा लो एंड यू आर गुड टू गो। मतलब थोड़ा बहुत अगर ब्लेमिश है तो कंसील किया एंड सेट किया एंड यू आर गुड टू गो। फाउंडेशन भी आप स्किप कर सकते हो, ये इतना अच्छा है एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2500 रुपीज़ या बिट एक्सपेंसिव कॉम्पैक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसीलर की, तो यहाँ पे है मेरे पास ये मैक का 24 आवर स्मूथ वेयर कंसीलर, इट्स वेरी क्रीमी एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। शेड मैंने थोड़ा लाइट लिया है क्योंकि मुझे हाइलाइटिंग कंसीलर चाहिए। ये है शेड NC25, एक्चुअली NC25 ही काफ़ी लाइट है, फाउंडेशन थोड़ा सा डार्क है, मतलब फाउंडेशन मेरी स्किन को, पर आप देख रहे हो ब्लेंड, और इतना क्रीमी है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है अंडर आइज़ को डार्क और आईलिड पे वगैरह लगा के आप रख सकते हो। और ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा होल्ड करता है आपके मेकअप को, मतलब ऐसे जल्दी से क्रीज नहीं होता एंड आपके अंडर आइज़ पे सेट रहता है, लॉन्ग लास्ट करता है, जैसे कि मेकअप निकलना चाहे जल्दी। तो ये कंसीलर भी अच्छा है, बहुत अच्छा ऑप्शन है कंसीलर के लिए। देन बात करेंगे, जैसे मैंने बताया पाउडर मैंने बता दिया, उसके बाद हम बात करते हैं दो और चीज़ों की, ब्लश एंड ब्रॉन्जर। बहुत सारे लोग ब्रॉन्जर स्किप कर सकते हैं, अप टू यू गाइस, बट ब्रॉन्जर से ना आपको एक बहुत अच्छा लुक मिलता है। आई एम रियली सॉरी आपको पीछे वो नॉइज़ आ रही होगी, जस्ट बिकॉज आई डोंट नो क्यों पटाखे फूट रहे हैं अभी से। तो आपके ऊपर है कि आपको ब्रॉन्जर अप्लाई करना है नहीं करना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉन्जिंग करने से आपके फेस को एक बहुत अच्छा डेप्थ मिल जाता है। कॉन्टोरिंग की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं ब्रॉन्जिंग की बात कर रही हूँ। एंड पर्सनली मुझे कॉन्टोरिंग से ज़्यादा ब्रॉन्जिंग पसंद है, मैं बस एक शेडो चाहती हूँ, थोड़ा डेप्थ चाहती हूँ फेस पे मिल जाए। नोज़ भी मैं पाउडर पाउडर से कॉन्टोर कर लेती हूँ। तो आपको ज़रूरी नहीं कि एक सेपरेट ब्रॉन्जर जाने की गाइज, जी हाँ, आप उसके कॉम्पैक्ट में शेड थोड़ा डार्क ले लो, ये है 44.5, ये काफ़ी डार्क शेड है और ये आपका ब्रॉन्जर का काम करेगा बिल्कुल परफेक्ट। सी इससे भी डार्क शेड में आप जा सकते हो और ये आपका बहुत अच्छा ब्रॉन्जर का काम करता है और ये लॉन्ग लास्टिंग पाउडर्स होते हैं, लाइक कॉम्पैक्ट्स होते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब सेम मैं शेड डार्क अगर आपने ले लिया गलती से तो ब्रॉन्जर का काम भी करेगा। ब्लश की बात करती हूँ तो मेरा मैक का ये फेवरेट ब्लश है और मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया और बहुत बार यूज़ करती हूँ। पीच या फिर कोरल जो होते हैं कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऑरेंजी टोन के ऐसे कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ब्लशर्स में। सो ये है मैक का पीचेस ब्लशर शेयर टोन ब्लश, जी हाँ, मतलब ये सबसे अच्छी बात इन ब्लशर्स की है कि आप इन्हें बिल्ड कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ, कलर बहुत सुंदर है, आप एक दो तीन जितनी बार चाहो, और ये बिल्कुल ओवर नहीं लगते, पाउडर भी बहुत ही सॉफ्ट है इसका। लुक एट दिस, दिस इज सो गुड एंड बहुत ही सॉफ्ट बटरी टेक्सचर है, आई लव द टेक्सचर सो मच। तो ये कलर ऑलमोस्ट आई थिंक फेयर टू मीडियम सारे स्किन टोन पे ये वाला जाएगा पीच, क्योंकि ये वार्म अंडर टोन में है, इट्स नॉट लाइक अ कूल अंडर टोन में, तो किसी पे नहीं जाएगा। तो या ये वाला ब्लशर भी आप ले सकते हो।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आई शेडो की। तो गाइज जैसे मैंने बताया ब्लशर्स आपको बेक ब्लशर्स में मिल जाते हैं, क्रीम ब्लशर्स में मिल जाते हैं, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा लेना चाहते हो। मुझे पाउडर ब्लशर्स बहुत पसंद है, मुझे क्रीम बेस्ड ब्लशर्स भी बहुत पसंद है, बट समटाइम्स क्या होता है क्रीम वाले ना थोड़े थोड़े से ये मेरे जो ओपन पोर्स हैं यहाँ पे उस पर फिल इन हो जाते हैं, तो वो मुझे थोड़ा ख़राब लगता है, पाउडर ऐसा नहीं होता है। ओके आई शेडो के लिए मेरे पास है ये न्यूट्रल सा आई शेडो। ठीक है, ब्राइड वाले दिन जो आपका ब्राइडल डे होता है या ब्राइड वाला डे होता है, शादी वाला डे, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप मेकअप करवा लेते हो, उस दिन ब्राइट है, फिर आपने रिसेप्शन पे भी करवा लिया, बट उसके बाद एवरी डे में एंड आप बहुत कलर्स नहीं यूज़ कर सकते हो, राइट। तो आप न्यूट्रल में जाना चाहोगे तो आई सजेस्ट दिस वाला पैलेट, दिस इज़ बर्गंडी टाइम्स 9 आई शेडो पैलेट। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको सारे न्यूट्रल शेड दिखेंगे, डार्क ब्राउन एंड सम यू नो शिमरी शेड्स, एंड दिस वन इज़ परफेक्ट फॉर स्मोकी आइज़। तो आप यू नो एक नाइट टाइम पार्टी लुक भी स्मोकी से कर सकते हो, मैट स्मोकी लुक भी कर सकते हो, थोड़ा सा शिमर चाहिए आइज़ पे तो आप ये कॉपरिश कलर का शिमर यूज़ कर सकते हो, दिस ब्यूटिफुल नॉट ये तो थोड़ा सा शैम्पेन ही है, ये कॉपरी शेड है, बहुत सुंदर है। तीसरा शिमर शेड ये वाला है, थोड़ा सा डार्क, एंड लास्ट वन दिस ब्लैक विद ग्लिटर, लुक एट दिस। तो चार आपको शिमरी शेड मिल रहे हैं, बाकी सारे मैट शेड्स हैं, एंड मैट शेड में अगर मैं बात करूँ इस वाले शेड की तो दिस इज़ परफेक्ट फॉर योर आईब्रोज, तो आपको सेपरेट आईब्रो के लिए नहीं चाहिए होगा। लेट मी शो यू, जैसे कि ये है, थोड़ा डार्क है ये, तो इससे आप ब्राउज भी फिल इन कर सकते हो, तो ये 2-in-1 काम करेगा। तो या ये एक बहुत ही परफेक्ट पैलेट है फॉर एवरीडे यूज़, आप इसे काजल स्मोक आउट कर सकते हो, स्मोकी लुक कर सकते हो, स्मोकी काजल लुक कर सकते हो, बहुत सारे लुक्स आप इसे क्रिएट कर सकते हो एवरीडे के लिए, एंड आई थिंक दिस अ परफेक्ट पैलेट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे काजल की। तो काजल है मेरे पास ये मैक का, इसके अलावा मेरे पास एक और काजल है, सो ये बहुत ही अच्छा एक रिट्रैक्टेबल काजल है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाता है, 35 ग्राम्स मिल जाता है, रिट्रैक्टेबल है तो आपको शार्पन नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो अब ये काजल यूज़ कर सकते हो अपने वाटर लाइन के लिए, क्योंकि बिना काजल के तो आई डोंट थिंक सो कि हमारे इंडियन ब्राइडल किट पूरा होता है। बहुत परफेक्ट रोल प्ले करता है यार काजल, यू नो आप समझ सकते हो, स्मोकी आइज़ करनी हो या फिर कोल आइज़ करनी हो, कुछ भी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अगर अफोर्डेबल कैटेगरी में जाती हूँ तो मैक ने ये काजल लॉन्च किया है, ये मैक का एक्सट्रीम ब्लैक काजल है, दिस इज़ गॉर्जियस, लाइक गॉर्जियस गाइस, लुक एट द कलर, जेट ब्लैक, ओ माई गॉड, बटरी क्रीमी एंड ग्लाइड इतना अच्छे से होता है ना आँखों पर। खैर मैंने तो अभी लगाया हुआ है, बट फिर भी शायद मैं दिखा दूँ डिफरेंस आपको, शायद हाँ दिख गया आपको डिफरेंस, दिस इज़ सो गुड। और इसे 675 रुपीज़ का लॉन्च हुआ है, आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए मैक में। तो काजल की बात हो गई है, यहाँ पे मस्कारा यहाँ मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे दे दूँगी स्क्रीन पे, बहुत अच्छा मस्कारा है, इसका मिनी वर्जन आप ट्राई कर सकते हो अगर आप जाना चाहो, और ये लैशेज़ को बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, और सबसे बड़ी बात कि आपको ये यू नो मिनी साइज़ में मिल रहा है, तो मिनी साइज़ परफेक्ट साइज़ होता है, काफ़ी टाइम के लिए चल जाता है क्योंकि मस्कारा आपको जल्दी डिस्कार्ड करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हाइलाइटर की, तो ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर है मैक में, ये है मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल, कोई भी स्किन टोन हो ये आप पे लगने वाला है, बेहतरीन से भी बेहतरीन, बेहतर से बेहतरीन। तो हम दिखाते हैं आपको इसकी, अभी तो यहाँ पर हाइलाइटर ना यहाँ पर नहीं है, ठीक है ले लिया, लुक एट दिस, ये ऐसा लगता है कि आपकी स्किन अंदर से हाईलाइट हो रही है, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ लगाया हुआ है, ये इतना नेचुरल लगता है, सॉफ्ट, दैट्स वाई इसका नाम है सॉफ्ट एंड जेंटल, क्योंकि ये बहुत ही जेंटल है स्किन पे, एंड सॉफ्ट ग्लो आपको देता है, बट आप इसके ग्लो को बिल्ड कर सकते हो, जितना चाहो उतना डूई अपने फेस को बना सकते हो। जी हाँ, एक होता है हाईलाइट कर आपका फेस, एक होता है डूईनेस आपके फेस पर, तो ये वो हाईलाइटर है जो लगाते हुए आपको लगेगा पाउडर है, और जब आप कुछ देर बाद जब आपके फेस पर सेट हो जाता ना, ऐसा लगता है कि आपकी स्किन डूईनेस दे रही है, बहुत चमक रही है, बहुत डुई डुई सा है, मतलब समझ जाओ आप, इतना सुंदर लगता है। और मेरे को बहुत पहले जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम बाय किया था तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, बट जब मैंने इसे दोबारा यू नो लगाना शुरू किया 2-3 बार, पर उसके बाद तो ये मुझे इतना अच्छा लगता है ना। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी कोई भी स्किन टोन हो, हमारे इंडियन में बहुत स्किन टोन होती है अलग अलग, कि मैं कौन सा लूँ, कौन सा हाईलाइटर लूँ, पिंक लूँ, पीच लूँ, यू नो गोल्डन लूँ, शैम्पेन लूँ, आप ये ले लो, ये और सॉर्टेड, हाँ बहुत अच्छा हाईलाइटर है।
देन अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेकअप को कर लिया, पूरा मेकअप कंप्लीट हो गया। अब भैया सेटिंग स्प्रे कहाँ से लाएं, क्योंकि सेटिंग स्प्रे बहुत ज़रूरी है। तो ये मैक का फिक्स प्लस है, इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप ये मिनी साइज़ में जा सकते हो। जी हाँ, मिनी साइज़ में, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा साइज़ लेना है, इतना छोटा में जाओ, 1200 का मिलता है, बहुत लंबा चलता है। और ये इसके बहुत सारे यूसेज हैं, अगर आपको यू नो आपका आई शेडो पिगमेंटेड नहीं है तो आप उस पर लगा सकते हो, आप इसे एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हो, एज अ सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो। लाइनर ड्रॉ करना है पाउडर से तो यू नो ग्लिटर से, तो आप इसको मिक्स करो उसके साथ एंड देन लाइनर बना लो, बहुत सारी यूसेज है। देन यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ लिपस्टिक्स की। तो ब्राइडल लिपस्टिक्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस जो मुझे लगती है, दो शेड होने चाहिए, तो क्या तीन होने चाहिए, पिंक, रेड और न्यूड। तो यहाँ पे न्यूड शेड मैं आपके साथ शेयर करी हूँ दो, जो कि बहुत ज़्यादा मैक में बेस्ट सेलर का हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस कलर्स हैं। सबसे पहला है ये वेलवेट टेडी, जो कि एक न्यूड शेड है और ये बहुत क्यूट साइज़ है। लुक एट द साइज़, मैंने बताया ना आपको मिनी साइजेस मिल जाते हैं। तो ये है वेलवेट टेडी, ये मैट लिपस्टिक है, क्रीम फॉर्मूले में मैट लिपस्टिक है। दिस इज़ अ वेलवेट टेडी, आपके पास एक न्यूड लिपस्टिक होनी चाहिए, चाहे आप कोई भी किट बना रहे हो, मेकअप किट बना रहे हो या फिर बिगनर बना रहे हो या फिर अपनी किट बना रहे हो, ठीक है। दूसरा मैं थोड़ा डार्क शेड दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे डीपर स्किन टोन वालों को डार्क कलर्स की न्यूड लिपस्टिक पसंद है। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल चॉकलेटी ब्राउन कलर, बहुत सुंदर शेड है ये, और ये है शेड वर्ल। तो दो मैंने न्यूड ऑप्शंस दे दिया आपको, और दोनों ही मिनी साइजेस हैं। आप मैक रूबी वू में भी मिनी साइज ले सकते हो, ये है मैक की रूबी वू। ओ गॉड, ये ओ गॉड गोद, ये बहुत सुंदर रेड शेड है एंड ये हर स्किन टोन पे जाता है। ऐसा है कि अभी तक कहते हैं कि मैक की सबसे बेस्ट लिपस्टिक अभी तक रूबी वू है, तो मुझे भी लगता है रेड कलर बहुत परफेक्ट रेड कलर है। इसमें जो रेड का हिंट है वो बहुत अच्छा है हमारी इंडियन स्किन टोन पे। ओके, पिंक मेरे पास यहाँ पे है पर वो मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट आप कोई भी पिंक कलर ले सकते हो मिनी साइज़ में। देन यहाँ पे जो मेरा फेवरेट शेड है और जो मैंने अपनी ब्राइडल मेकअप किट में दिखाया था, वो यही लिपस्टिक थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एक बहुत ही सुंदर यू नो मरून और वाइन कलर मिक्स्ड है एंड इट्स अ लिक्विड लिपस्टिक प्लस, तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। सो ये है रेट्रो मैट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड डांस विद मी, और द कलर इज सो गॉर्जियस एंड दिस इज द परफेक्ट शेड फॉर इंडियन ब्राइड। लुक एट द शेड गाइज, कितना सुंदर है ये, अभी नहीं ख्याल लगाऊंगी नहीं तो अजीब सी लगेगी। एंड ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, मतलब मैक में सारी जैसे मैंने दिखाया सारी फेवरेट है, बट यू नो अगर बात करें ब्राइड के लिए तो मुझे ये चारों शेड ब्राइडल के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। अब पिंक इसमें मैंने नहीं दिखाया, पिंक आप अपनी पसंद का ले सकते हो, कोई भी पिंक जो आपको लगता है, डीपर पिंक, लाइट पिंक, बेबी पिंक, कोई भी पिंक। सो या मेरा बैग खाली हो गया है, मेरा किट खाली हो गया है। गाइस ये था मेरा मैक का ब्राइडल मेकअप किट, जिसमें मैंने ए टू जेड प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर किए। जो चीज़ें मैंने स्किप करी हैं वो आप अपनी पसंद की ले सकते हो, वो मेरे पास नहीं है, बट मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, जैसे मस्कारा आप ले सकते हो, ठीक है, आई शेडो पैलेट आप कलरफुल में भी जा सकते हो न्यूड को छोड़ के, इसके अलावा पिंक लिपस्टिक आप चूज़ कर सकते हो। या सो ये था हमारा मैक वन ब्रांड ब्राइडल मेकअप किट। तो आपको बहुत सारे अच्छे से मैंने समझा दिया कि आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, क्या है, सारी डिटेल्स मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो गाइज अब आते हैं अपने सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। आई नो आप लोग भी वेट कर रहे थे कि जल्दी बताओ सायमा क्या होने वाला गिव अवे। तो मैंने जैसे बताया था कि आप इस गिव अवे में जीत सकते हो मैक के प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे तीन प्रोडक्ट्स मैं आपको गिव अवे में देने वाली हूँ, एक विनर होने वाला है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि प्रोडक्ट क्या है। सबसे पहला है ये मैक की फुल साइज लिपस्टिक इन द शेड रूबी वू, जी हाँ, ब्यूटिफुल रेड लिपस्टिक जो कि बहुत पसंद आएगी और ये फुल साइज़ है। देन यहाँ पे है मिनी मैक के लिपस्टिक मेहर, जी बिल्कुल मेहर एक बहुत ही खूबसूरत वर्ल्ड वाइड पसंद करने वाला पिंक न्यूड शेड है जो कि मिनी साइज़ में है। देन यू विल गेट अ मैक का मिनी मैक हाइड्रेट सेट्स एंड यू नो फिक्स प्लस ओरिजिनल, और ये भी आप जीतोगे। तीन प्रोडक्ट हैं जो इस गिवअवे में आप जीत सकते हो, एक सिंगल विनर होगा, विनर मैं रैंडमली चूज़ करूंगी। और रूल्स जो हैं इस गिव अवे के बहुत ही सिंपल हैं। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो ऑब्वियसली ये एक रूल है पूरा देखना है, मजाक कर रही हूँ। ओके, तो आपको कमेंट छोड़ना है कि इसमें इस पूरे किट में आपको क्या पसंद आया, या आपने कभी कुछ ट्राई किया है, क्या फेवरेट है। ओके, दूसरा रूल ये है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है
और जिस आपकी जिस फ्रेंड बहन कज़न जिसकी भी शादी है उसके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, वीडियो को शेयर करना है। एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है shaistasu109। क्यों आपको मुझे वहाँ पे फॉलो करना है? क्योंकि जो गिव अवे का विनर होने वाला है ना, मैं ऑब्वियसली अपनी स्टोरी पे शेयर करूँगी जो भी विनर होगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो डोंट वरी, मैं इस वीडियो के नीचे विनर का नाम छोड़ दूँगी, मतलब ला के उस विनर का नाम लिखूँगी ताकि आपको पता चल जाए। और विनर का अनाउंसमेंट करने वाली हूँ 10th of November को। या दैट वॉज इट, तो आपको तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा और जल्दी आपको ये प्रोडक्ट, आप में से कोई एक लकी विनर हो सकता है। सो गाइज, ये था मेरा आज का MAC वन ब्रांड ब्राइडल मेकअप किट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट किसी एक के लिए। जी हाँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू।